नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दीज क्वेश्चंस आर डेली प्रेम्स प्रैक्टिस एंड हेयर द क्वेश्चंस आर क्यूरेटेड एज पर द डिमांड ऑफ यूपीएससी। नाउ मूविंग ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द नाटो, दैट इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, यू नो दैट ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर द नाटो इज अ क्रूशियल फैक्टर। So what is NATO? It is an intergovernmental military alliance that constitute a system of the collective defense. Okay, the third next statement is it was established in the aftermath of the World War II. The third statement is the accession of the new member to the NATO requires the unanimous approval by all the members. Okay, so the correct answer of the question is C, means all the statements are correct. Okay, so looking at the first statement, it is an intergovernmental military alliance. Okay, and you should also know that Article 5 of NATO. Article 5 of the NATO क्या कहता है कि if there is a attack on particular one country, so this attack will be considered as a collective attack on all the country. तो अगर एक पे कोई अटैक करता है तो सब पे अटैक माना जाएगा और फिर वो लोग वापस क्या करेंगे, अटैक बैक करेंगे। ठीक है, सो दिस इज दी नाटो का फाइव आर्टिकल फाइव। तो नाटो का अगर आर्टिकल फाइव वॉयलेट हो गया तो दिस इज द थिंग। नाउ दिस नाटो इज एस्टैब्लिश्ड ओके आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू ऑन 4th of April 1949। तो 4th अप्रैल 1949 को नाटो को एस्टैब्लिश किया गया था। और जब इसको एस्टैब्लिश किया गया था, सो एट दैट टाइम देर वर ओनली 12 फाउंडिंग मेंबर्स। और उसके बाद नाटो का क्या हो गया, नाटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होता रहा। ठीक है, नाटो का जो है वो ईस्टवर्ड एक्सपेंशन होता रहा एंड रशिया इज ऑलवेज अगेंस्ट दिस ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द नाटो। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द एक्सेशन ऑफ द न्यू मेंबर्स टू द नाटो रिक्वायर द यूनैनिमस अप्रूवल। यस, दिस इज करेक्ट कि अगर किसी नए मेंबर को लाना है, जैसे अभी फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड जो है इट बिकम्स द न्यू लेटेस्ट मेंबर ऑफ द नाटो। तो बेसिकली क्या है, तो जब फिनलैंड को एडमिट किया गया इन नाटो, तो उसमें यूनैनिमस कंसेंशुअल एक एग्रीमेंट लगा था। ठीक है, सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, इंडिया हैज बीन इशूइंग द कमेमोरेटिव कॉइन्स सिंस 1960 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। नाउ यू शुड नो द ओके, फर्स्ट मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, पेइंग होमेज टू द notable personalities. Okay, the second statement is spreading the awareness about the government schemes. The third statement is remembering the key historic events. Now which one is the correct option? So from here all the statements are correct, so C will be the correct option. Now ab yahan pe aapko kya pata hona chahiye, yahan pe pata hona chahiye about the difference between the rupee, theek, rupee mein bhi kya notes and the coins. Okay, नो, जो भी नोट्स होते हैं, नोट्स आर पब्लिश्ड बाय दी आरबीआई अंडर दी आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, बट द कॉइन्स आर पब्लिश्ड एज पर दी क्वाइनेज एक्ट ऑफ 2011. ओके, एंड मैक्सिमम जो कॉइन पब्लिश कर सकते हैं वो डिनोमिनेशन कितना होना चाहिए, 1000, 1000 रुपए की मैक्सिमम कॉइन को पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और कॉइन का पब्लिश, कॉइन की जो मिंटिंग है, ठीक है, कॉइन की जो मिंटिंग है, तो इसका काम कौन करता है, गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कॉइन की मिंटिंग करती है। पर कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, तो कॉइन को डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो किसका है, आरबीआई। तो कॉइन की मिंटिंग का काम किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ठीक, बट कॉइन के डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसका है, वो काम है किसका, आरबीआई का। ठीक, बट अगर नोट्स की बात किया जाए तो सारी नोट्स का जो मिंटिंग है, सॉरी प्रिंटिंग है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सारा कौन कौन करता है, वो आरबीआई करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, और कॉइन की जो मिंटिंग है वो भी कुछ लिमिटेड एरिया में होती है, जैसे हैदराबाद है, उसमें नोएडा है, ये ना, तो ये इस तरीके चार पाँच जो हैं कुछ लिमिटेड एरिया है, वहीं पर कॉइन की क्या होती है, मिंटिंग होती है। और सारी जो नोट्स होती हैं उनमें आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द एक रुपये नोट। एक रुपये का जो नोट होता है उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी जो होते हैं, सॉरी फाइनेंस जो मिनिस्टर होते हैं उनका सिग्नेचर होता है, निर्मला सीतारमण इस टाइम पे है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द रुपी एंड कॉइन। और जो हम रुपी नोट यूज़ करते हैं वो जो करेंसी है, ठीक है,
the currency right now we are using is the fiat currency. फ़िएट करेंसी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ़िएट करेंसी? फ़िएट करेंसी का मतलब क्या होता है कि उस करेंसी की कोई भी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है, ठीक, बट दिस करेंसी इज बैक्ड बाई गवर्नमेंट, ठीक है. कहने का मतलब है अगर आपके पास एक 500 रुपये का नोट है, ठीक है, तो उस 500 रुपये की कोई नोट की कोई फेस वैल्यू, मतलब कि उसकी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है. इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपने सपोज आपने हाफ के जी का आपने गोल्ड कॉइन लिया हुआ है, ठीक, तो उसमें अगर लिखा हुआ है कि हाफ के जी का गोल्ड कॉइन लेट से 10 लाख का है, ठीक है, तो वो जो 10 लाख रुपए है वो उसकी फेस वैल्यू भी है और वो उसकी एक्चुअल वैल्यू भी है, यानी कि वो कमोडिटी जो है वो वैल्यू होल्ड करती है. पर ये जो 500 रुपये का जो नोट होता है ज़रा सा कागज़ का, ठीक, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है अनटिल एंड अनलेस द गवर्नमेंट इसको बैकिंग प्रोवाइड करे, ठीक है. तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फ़िएट मनी, ठीक है. तो आई होप ये बात समझ गए होंगे आप. अब बात करते हैं यहाँ पर कमेमोरेटिव कॉइन्स क्या होते हैं. कमेमोरेटिव कॉइन्स का मतलब क्या होता है, देखो कमेमोरेशन का मतलब होता है किसी को याद करना. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कमेमोरेटिव कॉइन? कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई ओकेजन है, ठीक है, किसी कोई बहुत महापुरुष हैं, ठीक है, उनकी कोई जयंती है, सो ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंटियस ओकेजन हम क्या करते हैं, उन्हें याद करने के लिए कमेमोरेटिव कॉइन निकाल देते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको. तो कमेमोरेटिव को जैसे हमने आपको पता होगा, जैसे 500 रुपये का कॉइन निकाल दिया कोई, ठीक है, कोई 80 रुपये का कॉइन निकाल दिया, 1000 रुपये का कॉइन निकाल दिया, सो दीज आर कॉल्ड दी कम्युनिटी कॉइन. अब बात करते हैं सबसे पहला जो कम्युनिटी कॉइन था वो कब और लॉन्च किया गया था. तो देखिए सबसे जो पहला कम्युनिटी कॉइन था वो नियर अबाउट 1962-64 के आसपास जब नेहरू जी की जो डेथ हुई थी, ठीक है, तो उसको मार्क करने के लिए हमने लॉन्च किया था. तो यहाँ पर लिखा हुआ जो पहला ऑप्शन क्या है, पेइंग होमेज टू दी नोटेबल पर्सनैलिटीज, ठीक है, पेइंग होमेज टू दी नोटेबल पर्सनैलिटीज, करेक्ट, स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट दी गवर्नमेंट स्कीम्स, या कोई गवर्नमेंट स्कीम चला रही है उसके रिगार्डिंग, द थर्ड इज द रिमेंबरिंग दी की हिस्टोरिकल इवेंट, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो रहा है तो उसको रिमेंबर करने के लिए भी हम लोग जो कम्यूमरेटिव कॉइन्स हैं उसको बेसिकली पब्लिश करते हैं, मिंटिंग करते हैं. और 1960 के बाद से किया गया था, सबसे पहला जो किया गया था वो नेहरू जी के कॉइन रिमेंबरेंस के लिए किया गया था, ठीक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी फॉकल्ट पेंडुलम, ठीक है. अब ये क्या चीज़ है, ठीक है, जो फॉकल्ट पेंडुलम है ये क्या है कि हमने क्या किया है, जो हमारी नई पार्लियामेंट है, ठीक है, उस पार्लियामेंट में हमने फॉकल्ट पेंडुलम को इंस्टॉल किया हुआ है. मैं उसको आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट. ठीक है, तो ये जो पेंडुलम है ये सिर्फ बताएगा क्या कि जो नई पार्लियामेंट में इसमें ये इंस्टॉल किया गया है, ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है. तो ये जो पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, तो ये जो है ये बताएगा पोजीशन ऑफ अर्थ के बारे में, टाइमिंग के बारे में, और कई सारी जो है एस्ट्रोलॉजिकल जो इन्फॉर्मेशन है इसको प्रोवाइड करेगा. तो ये नई पार्लियामेंट में इसको इंस्टॉल किया गया हुआ है और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है. तो हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फॉकल्ट पेंडुलम प्रोवाइड्स द डायरेक्ट विजुअल एविडेंस दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ओके. द सेकंड स्टेटमेंट इज द फॉकल्ट पेंडुलम एट द इक्वेटर वुड नॉट शो एनी डेविएशंस फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कोर्स. द थर्ड स्टेटमेंट इज दैट इट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड इन द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग, ओके. नाउ यहाँ पर अगर देखा जाए तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी द ऑप्शन नंबर बी, मीन्स टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. दो स्टेटमेंट्स क्यों करेक्ट है, कौन से इनकरेक्ट है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, दैट फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट फॉकल्ट पेंडुलम जो है वो प्रोवाइड करेगा द डायरेक्ट विजुअल एविडेंस दैट द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. दिस इज करेक्ट, कि वो एविडेंस प्रोवाइड करेगा कि जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है कहाँ पर, अपनी एक्सिस पे. नाउ दिस इज करेक्ट. द सेकंड इज द फॉकल्ट पेंडुलम एट द इक्वेटर वुड नॉट शो एनी डिवाइएशन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कोर्स. तो जब वो इक्वेटर पे होगा तो वो कोई भी डिवाइएशन नहीं शो करेगा. द थर्ड इज इट हैज बीन इंस्टॉल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम. फर्स्ट, नाउ दिस इज वेरी
दिस इज़ जो स्टेटमेंट है ये कहाँ पे काफ़ी एक्सट्रीम है, फर्स्ट टाइम इन दी वर्ल्ड इन इंडियन पार्लियामेंट, मतलब और कहीं कभी इंस्टॉल ही नहीं हुआ, दिस इज़ द ओनली फर्स्ट टाइम, नो दिस इज़ इनकरेक्ट, 1991 में इंटर यूनिवर्सिटी जो सेंटर है फॉर दी एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स इन पुणे, तो वहाँ पर भी क्या है इसको इंस्टॉल किया गया था इंडिया में, ठीक है, सो दिस यू शुड नो, सो फ्रॉम हेयर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी हिमालय एंड दी एल्प्स माउंटेन, तो हिमालय और एल्प्स माउंटेन के बीच के डिफरेंस की यहाँ पर बात की जा रही है. ओके नाउ पता है द मोस्ट पीक्स इन दी एल्प्स आर नॉट एक्सेसिबल कंपेयर टू हिमालय. ओके द सेकेंड इज द हाई पीक ऑफ द हिमालयाज आर सिग्निफिकेंटली टॉलर देन दैट वंस इन द एल्प्स. ओके सो जो पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है क्या कि जो भी पीक्स हैं एल्प्स के वो एक्सेसिबल नहीं है इन कंपेयर टू हिमालय. तो आपको पता है कि हिमालय जो पीक्स हैं वो क्या हैं, वो ज़्यादा हाई भी हैं और ज़्यादा जो टेरेन है उनकी द टेरेन इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. ठीक सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज हेंस इनकरेक्ट. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द पीक्स ऑफ द हिमालयस आर सिग्निफिकेंटली टॉलर देन द वंस इन द एल्प्स, दिस इज करेक्ट वन. ओके जो पीक्स हैं हिमालय, आपको पता है द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय, ठीक है, सो जो पीक्स हैं हिमालय का वो क्या है, वो ज़्यादा हैं, हाई हैं और इन कंपेयर टू द एल्प्स, सो फ्रॉम हेयर द बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ यू कैन सी हेयर इन दिस पिक द डिफरेंट माउंटेन रेंजेस आई हैव शोन हेयर, ठीक है, इट्स लाइक हेयर आर द एल्प्स. एल्प्स कहाँ पे हैं, एल्प्स इन द यूरोप, ठीक है, हिमालयंस यू नो हिमालय यहाँ पे हैं. फिर आपको बताना चाहिए नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे क्या है, कनाडा के पास रॉकी, ठीक है, एंड देन सियरा नेवाडा एंड देन दी सियरा मैड्री अपलेशियन माउंटेन रेंज यहाँ पर है एंडीज साउथ अमेरिका की, देन दी ड्रैकन्सबर्ग साउथ अफ्रीका के, ठीक, फिर उसके बाद रिवेनजोरी माउंटेन, ठीक, हिंदू कोश आपको पता ही है, ठीक है, कल मैंने रिवर भी बताई थी हिंदू कोश से जो निकल रही है, जो जिसका डिस्प्यूट है बिटवीन द अफगानिस्तान और ईरान अभी करेंटली चल रहा है, इसका उसका आप नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जैगरॉस माउंटेन रेंज, ठीक, फिर उसके बाद एटलस माउंटेन रेंज, ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉकेशियस माउंटेन रेंज, यूराल तो पता ही होगा आपको रशिया में, और इसके बाद स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज, एल्टाई माउंटेन रेंज चाइना के आसपास, तियानशा काराकोरम, ठीक है, और उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड मैक डोनाल्ड रेंज, ठीक है, तो ये जो हैं इतने सारे माउंटेन रेंज है, तो इसको आप देख सकते हैं. ठीक, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रोटेक्शन ऑफ द इलेक्टर्स आइडेंटिटी इज एन इंट्रीगल टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द वोटर्स हु कास्ट एंड वोटर्स हु डज नॉट कास्ट हिज वोट इज वायलेटिव ऑफ द आर्टिकल 14. ओके द सेकेंड स्टेटमेंट इज इन इंडिया द अब्सटेंशन फ्रॉम द वोटिंग इन द जनरल इलेक्शन इज प्रोटेक्टेड एज द फंडामेंटल एक्सप्रेशन ऑफ. ओके The third statement is the systematic voter education for the electoral participation is being implemented by the Union Ministry of Law and Justice. Okay, so from here B will be the correct options. Means out of these three statements, those जो statement है वो correct है and one is incorrect. Now let's see कौन सा statement सही है और कौन सा incorrect. देखिए पहले लिखा हुआ है the protection of the इलेक्टोरल्स आइडेंटिटी इज इंटीग्रल टू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, याद दिस बिल्कुल सही है कि जो भी इलेक्टोरल की आइडेंटिटी है इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्शंस बिटवीन अ वोटर हु कास्ट वोट एंड अ वोटर हु डज नॉट कास्ट वोट इज अ वायोलेशन ऑफ आर्टिकल 14. नाउ व्हाट आर्टिकल 14 सेज, आर्टिकल 14 सेज अबाउट द राइट टू इक्वालिटी, ओके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक. नाउ अगर आप ये डिस्टिंक्शन कर रहे हो कि किसने वोट किया किसने नहीं किया, सो दिस इज़ नॉट गुड, मीन्स दिस इज अगेंस्ट द वॉयलेशन ऑफ द आर्टिकल 14 और ये इट
जो बात है इट वॉज सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इन 2013 केस. 2013 का जो नोटा का जजमेंट आया था, ठीक है, जो नोटा का जजमेंट आया था, नन ऑफ दी एबो. आप जब वोट डालने जाते हो तो वहाँ पर एक नोटा का जजमेंट, नोटा का बटन भी होता है कि अगर आप किसी को वोट नहीं देना चाहते हो तो आप नोटा में दबा सकते हो. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति नोटा में दबाता है बटन तो ये भी क्या है, इट इज़ एज अ पार्ट ऑफ द हिज एक्सप्रेशन अंडर द फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19. ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट. द सेकेंड स्टेटमेंट इज, इन इंडिया द अब्सटेंशन फ्रॉम द वोटिंग इन द जनरल इलेक्शन इज प्रोटेक्टेड एज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. यही तो बोला था, यही बात बोली थी किसमें, सुप्रीम कोर्ट का जो नोटा का जजमेंट आया था 2013 में. सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली थी कि अगर आप नोटा में बटन दबाते हैं सो इट विल बी कंसिडर्ड एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19. द सेकेंड थर्ड स्टेटमेंट इज, द सिस्टमैटिक वोटिंग एजुकेशन फॉर द इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन इज बी इम्प्लीमेंटेड बाई द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. नो, दिस इज इनकरेक्ट, बिकॉज ये जो चीज़ है, ये जो सिस्टम है, सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन फॉर इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाई द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है, नाउ व्हाट इज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर्म्ड अंडर द आर्टिकल 2324. ठीक, एंड इसमें बेसिकली क्या है, इसमें बेसिकली एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी के दो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं. बट हाँ, याद रखिएगा कि ये जो तीन मेंबर की बॉडी है ये फॉर्म हुई थी नियर अबाउट 1990. उससे पहले सिर्फ एक ही थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ठीक, अब क्या है, अब एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो हैं क्या, इलेक्शन कमिश्नर. अपार्ट फ्रॉम दैट, आर्टिकल 326 यू शुड नो, दिस टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, यानी कि हर इंसान को क्या है, राइट टू वोट है, अगर वो क्या है, अगर वो 18 साल का है, 18 साल का है. ठीक है, सो दिस यू शुड नो फ्रॉम हियर. एंड द वोटिंग राइट, इट इज़ अ लीगल राइट इन इंडिया, लीगल राइट, या आप बोल सकते हो इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो कि मेंशन है कहाँ पर, 326 में. ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी यहाँ से. सो करेक्ट ऑप्शन था इसका बी वाला. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइक ऑल द फॉर्म्स ऑफ द लाइट, एक्स रे कंसिस्ट ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स. ओके, पोलराइज्ड लाइट इज मोर ऑर्गेनाइज्ड विद द टू टाइप्स ऑफ द वेव वाइब्रेटिंग इन द सेम डायरेक्शंस. ओके, द थर्ड स्टेटमेंट इज, द फिशरमैन यूज द पोलराइज्ड लेंसेज टू रिड्यूस द ग्लेयर फ्रॉम द सनलाइट व्हेन दे आर नियर द वाटर. ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कितने स्टेटमेंट सही हैं, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या हैं, करेक्ट. नाउ हैव अ लुक अगेन, पहला लिखा हुआ है स्टेटमेंट, लाइक ऑल द फॉर्म्स ऑफ द एक्सरे, ऑल द फॉर्म्स ऑफ द लाइट, एक्स रे कंसिस्ट ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स. बिल्कुल सही है, जो एक्सरेज में क्या होती हैं, मूविंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों तरह की वेव्स होती हैं, जैसे कि सारी वेव्स में होती, सारी लाइट की जो भी स्पेक्ट्रम होता है उसमें होती हैं. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, द पोलराइज्ड लाइट जो होती है, इट इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड विद टू टाइप्स ऑफ द वेव्स वाइब्रेटिंग इन द सेम डायरेक्शन. देखिए, दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है द फर्स्ट वन इज दी, आप वर्टिकल मूव कर सकते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल. ठीक है, इसी को आप बोल सकते हो, इसी जो हॉरिजेंटल लाइन है इसी को बोल देते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल, जो ऐसे जा रही है, और ट्रांसवर्स जो ऐसे ऐसे जा रही है. ठीक है, मीन्स जो अबव द प्लेन जा रही है इट इज़ द ट्रांसवर्स, और जो हॉरिजेंटल जा रही है इट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल. पोलराइज लाइट का मतलब क्या होता है, पोलराइज लाइट का मतलब होता है कि जो लाइट है, ठीक है, वो क्या है, वो बेसिकली उसका जो मूवमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में है. क्या है, उसका जो मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में है. लेट मी शो यू, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो, या दिस फ्रॉम जस्ट मिनट, अच्छा सा इसी में देख लीजिए आप चाहे तो. देखिए यहाँ पर क्या है, ये है अनपोलराइज्ड लाइट. ठीक है,
अनपोलराइज लाइट में क्या है कि जो लाइट्स हैं वो क्या हैं, वो हॉरिजॉन्टल भी जा रही हैं, ये देखिए, और ये ट्रांसवर्स भी जा रही हैं। पर जब ये इस पोलराइज पेपर से गया तो उसके बाद ये सिर्फ पोलराइज हो गई और सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में बीम जा रही है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द पोलराइज एंड अनपोलराइज लाइट। ठीक है, यहाँ से भी देख लो आप, ये अनपोलराइज लाइट है, डायरेक्शन जो है इसकी सारी सारी दिशाओं में है, ठीक है ना। बट यहाँ पर देखा जाए तो ये पोलराइज लाइट है, ओके, इट इज़ पॉइंटिंग इन दी सेम डायरेक्शन, गॉट इट ना। मूविंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पर ये हो गया, सेकंड स्टेटमेंट समझ गए कि जो पोलराइज लाइट होगी वो क्या होगी, सेम डायरेक्शन में मूव करेगी। थर्ड स्टेटमेंट इज द फिशरमैन यूज दी पोलराइज लाइट लेंसेज टू रिड्यूस दी द ग्लेयर फ्रॉम द सनलाइट व्हेन दे आर नियर द वाटर। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक और क्वेश्चन है, द चैम्बर ऑफ द प्रिंस इज द लिबर्टी हॉल इन द ओल्ड पार्लियामेंट। ओके, द चैम्बर ऑफ द प्रिंस वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई द रॉयल प्रोक्लेमेशन ऑफ द किंग एम्परर जॉर्ज फाइव टू एडवोकेट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट। द थर्ड स्टेटमेंट इज द फेडरल कोर्ट ऑफ द इंडिया बिगेन फंक्शनिंग फ्रॉम द चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस एंड लेटर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, जो हमारी कंपेरिजन किया हुआ है कि हमारी जो ओल्ड पार्लियामेंट में थी वहाँ पर क्या चीज़ें थी, तो वहाँ पर एक चीज़ थी दैट इज़ नोन एज द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है। सो फ्रॉम हियर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ पे अटेंशन हियर, द चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस इज द लिबर्टी हॉल इन ओल्ड पार्लियामेंट, दिस इज करेक्ट। चैम्बर ऑफ प्रिंस था उसका नाम क्या था, लिबर्टी हॉल इन द ओल्ड पार्लियामेंट। ठीक, एंड इट वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द किंग जॉर्ज फिफ्थ। ठीक, दिस यू शुड ऑल्सो नो। और ये क्या था, इट एडवोकेट्स द कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट। द थर्ड स्टेटमेंट इज द फेडरल कोर्ट ऑफ द इंडिया बिगेन फंक्शनिंग फ्रॉम द चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस। ठीक, जब इसका काम खत्म हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, जब जो फेडरल कोर्ट था, ठीक है, वो इस्टेब्लिश हो गया विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, तो उसके बाद से क्या हो गया, फेडरल कोर्ट इस्टेब्लिश हो गया था विद दिस एक्ट। ठीक, तो वो इस्टेब्लिश हो गया और वो यहाँ पर एज ए वर्किंग करने लगा। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड, देन ये जो फेडरल कोर्ट था, दिस फेडरल कोर्ट गॉट कन्वर्टेड इन टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो जेनेसिस है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट केम्स फ्रॉम द दिस लिबर्टी हॉल और द चैम्बर ऑफ प्रिंस। ठीक, सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। मूविंग फॉरवर्ड, सेम क्वेश्चन अगेन ऑन द कॉइन्स, टू मार्क द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग कमेमोरेटिव कॉइन्स ऑफ द 75 डिनोमिनेशन वॉज रिलीज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कमेमोरेटिव कॉइन्स, जिसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द कॉइनेज एक्ट 2011 गिव्स RBI, पे अटेंशन हेयर, RBI द पावर टू डिजाइन एंड मिंट इन वेरियस डिनोमिनेशन। ओके, दर्थी मे नॉट नेसेसरली बी द सेम एज देयर फेस वैल्यू। ओके, द कंट्री रिलीज द फर्स्ट कमेमोरेटिव कॉइन इन द ईयर ऑफ 1947 टू मार्क द इंडिपेंडेंस। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए तो उस हिसाब से द करेक्ट आंसर इज ए, मीन्स ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा, पे अटेंशन, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द कॉइनेज एक्ट ऑफ 2011, तो 2011 का जो कॉइनेज एक्ट था उसमें क्या पावर दी गई है आरबीआई को, आरबीआई को पावर दी गई है टू डिज़ाइन और मिंट द कॉइन। मैंने बताया था कि जो कॉइनेज एक्ट है उसमें जो पावर है किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर है कि वो क्या करे, डिज़ाइन भी करे और मिंट भी करे, किसको, कॉइन को। पर इस कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है वो कौन करेगा, वो आरबीआई करेगी। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। द नेक्स्ट इज द वर्थ मे नॉट नेसेसरली बी द सेम एज देयर फेस वैल्यू, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर सपोज 75 रुपये का कोई कॉइन आया है मार्केट में या लॉन्च किया गया है एज ए कम्यूमरेटिव कॉइन, तो ज़रूरी नहीं है कि उस 75 रुपये की जो वैल्यू होगी, जो इंट्रेंसिक वैल्यू होगी, ठीक है, मैंने बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू, इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि क्या उस कॉइन की खुद की कोई वैल्यू है,
कि अगर उसको हम एज ए पैसा अगर उसको पिघला दें ठीक है, और उसके बाद मार्केट में बेचे तो क्या 75 रुपये मिल जाएंगे। दिस इज़ नोन एज द इंट्रेंसिक वैल्यू। जैसे मैंने कहा था कि 500 रुपये का नोट है, वो एक सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा है, उसकी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है। अगर उसको फाड़ दो आप तो कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। तो वही मतलब है कि जो वैल्यू है वो इंट्रेंसिक नहीं है। पर इस सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि द देयर वर्थी मे नॉट नेसेसरली बी द सेम एज देयर फेस वैल्यू। ओके, सो दिस इज करेक्ट। ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है कि उसकी जो वर्थ है वो उसकी फेस वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। अगर 75 रुपये लिखा है कॉइन में तो ये 75 रुपये क्या है, ये 75 रुपये इसकी फेस वैल्यू है, ठीक। बट इसकी जो वर्थ है, वर्थ वर्थ जो है वो 75 रुपये नहीं है। आप समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, दी कंट्री रिलीज इट्स फर्स्ट कम्युनिटी कॉइन 1947। मैंने बताया था अभी आपको कि 1960 के अराउंड, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, टू मार्क दी एनिवर्सरी ऑफ दी जवाहरलाल नेहरू, तो हम लोगों ने 1960 के अराउंड जो है पहला कम्युनिटी कॉइन जो है वो लॉन्च किया गया था। इट वॉज एग्जैक्ट इन द ईयर ऑफ 1964, ठीक है, टू ऑनर द जवाहरलाल नेहरू कॉज ही पास्ड अवे ऑन दैट ईयर, ठीक है। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि टोटल अगर बात की जाए इंडिया में जो चार जगह हैं, जैसे है मुंबई है, ठीक है, एंड हैदराबाद है, ठीक, कोलकाता है और नोएडा, ठीक, इन चार जगहों पे क्या होता है, इन चार जगहों पे जो कॉइन्स हैं उनकी मिंटिंग होती है। और मैक्सिमम जो कॉइन की मिंटिंग हो सकती है वो कितनी, 1000 रुपये का कॉइन मिंट हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ, ये UPSC का जो PYQ है कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इट इज़ अबाउट द नाविक, जैसे GPS है उसका नासा का, ठीक है, वैसे ही ये नाविक है। नासा का वैसे जो GPS है वो उसका मिलिट्री का एक सॉफ्टवेयर है, उसको फिर बाद में पब्लिक यूज़ करने लगी, ठीक है। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द नाविक प्रोवाइड द कवरेज ओवर द इंडियन लैंडमार्क एंड अप टू द रेडियस ऑफ द 15,000 किलोमीटर अराउंड इट, ओके। अनलाइक GPS द नाविक यूज द सेटेलाइट इन हाई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द नाविक सिग्नल्स कम्स टू द इंडिया एट 90 degree एंगल एंड एंगल मेकिंग इट ईजियर फॉर देम टू रीच द डिवाइसेज एंड लोकेट इवन द कंजेस्टेड एरिया डेंस फॉरेस्ट एंड द माउंटेन्स, ओके। नाउ फ्रॉम हेयर व्हाट इज द करेक्ट आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज बी, मीन्स ओनली टू ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट वन, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट नाविक प्रोवाइड द कवरेज एरिया ऑफ द इंडियन लैंडमार्क एंड अप टू द रेडियस ऑफ 15,000 किलोमीटर। सो दिस इज द सेम स्टेटमेंट एज केम इन द PYQ, सो इट इज़ नॉट 15,000 किलोमीटर, इट इज़ 1500 किलोमीटर, ठीक। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अनलाइक द GPS द नाविक यूज द सेटेलाइट इन द हाई जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द सिग्नल्स फ्रॉम द नाविक इट रीच्ड एट द एग्जैक्ट 90 degree एंड दिस हेल्प्स इन द इवन लोकेटिंग द वेरी कंजेस्टेड एरिया डेंस फॉरेस्ट और द माउंटेन्स। सो द स्टेटमेंट सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट, द फर्स्ट इज इनकरेक्ट बिकॉज द रेडिया इट कवर इट, इट इज नॉट द 15,000, इट इज 1500, सेम एज स्टेटेड इन द UPSC PYQ। सो फ्रॉम हेयर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, टू पैसा करेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर identified as the indirect farm subsidy provided by the government, okay. Now first I'll read the statement, then I'll explain it. The MSP, that is the minimum support price, okay. The second is the subsidy on the fertilizer and the seed. The third is the farm loan waiver. So which one of the following is the indirect subsidy that is provided by the government of India, okay. So from here what is the correct answer, C is the correct answer, means option 2 and 3 are correct. MSP is not a form of the indirect subsidy, ठीक है, तो C is the correct option. Now अब आपको देखना होगा कि what is the difference between the direct subsidy and indirect subsidy, okay. तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी होती क्या है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, जो सब्सिडी दी जाए फार्मर्स को डायरेक्टली, ठीक है, दैट नोन एज द डायरेक्ट सब्सिडी, जैसे MSP, ठीक है। तो MSP जो है वो क्या है, फार्मर्स को डायरेक्टली दी जाती है, ठीक, MSP।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या अगर सपोज आप फार्मर्स के बैंक अकाउंट में कोई पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो विद द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT के द्वारा कोई पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, दिस ऑल थिंग्स आर कम अंडर द डायरेक्ट सब्सिडी. ठीक है, डायरेक्ट सब्सिडी जो है ये कहीं ना कहीं क्या है, इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड अंडर द WTO ट्रेड एग्रीमेंट. ठीक है, इसे आपको बताया होगा एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ठीक है ना. तो ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स ये कई सारी क्या होती है, कैटेगरी होती है WTO में, तो ये प्रोहिबिटेड है. ठीक है, तो और ये किया क्यों जाता है, दिस इज़ डन द डायरेक्ट सब्सिडी इज प्रोवाइडेड टू मेक द प्रोडक्ट, टू मेक द प्रोडक्ट मोर कॉम्पिटिटिव. ठीक है, ताकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो जाएं, प्रोडक्ट और ज़्यादा प्रोडक्ट जो हो जाएंगे डायरेक्ट सब्सिडी और इनडायरेक्ट में प्रोडक्ट जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, मोर कॉम्पिटिटिव. ओके, सो दिस इज द रीज़न ऑफ प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट सब्सिडी. एन एग्जाम्पल इज MSP. ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, DBT ऑल्सो. इनडायरेक्ट सब्सिडी क्या होती है, यहाँ पर पैसा डायरेक्टली फार्मर्स को नहीं दिया जा रहा, बट बेसिकली क्या किया जा रहा है कि जो चीज़ें वो खरीद रहे हैं उनमें उनको सब्सिडी दी जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ दे आर बाइंग ट्रैक्टर्स और इफ़ दे आर बाइंग एनी सॉर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी, तो हम उनको डायरेक्टली पैसा ना देके हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उस मशीनरी की, सपोज जो ट्रैक्टर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो हम उस ट्रैक्टर की इंडस्ट्री को पैसा दे देंगे, या ट्रैक्टर की जो इंडस्ट्री है ठीक है उसको कई सारे इंसेंटिव्स दे देंगे, टैक्स रिबेट दे देंगे. ठीक है, कई सारे इंसेंटिव दे दिए, कई सारे टैक्स रिबेट दे दिए, तो इससे क्या होगा कि वो, क्योंकि उनकी जो कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो रिड्यूस हो जाएगी, इसीलिए वो आगे चल के क्या होगा, वो आगे चल के फार्मर्स को भी सस्ते में देंगे. या हम दे सकते हैं क्या, हम सीड सब्सिडी दे सकते हैं. ठीक है, हम पेस्टिसाइड की सब्सिडी दे सकते हैं, यानी कि जो सीड है हम फार्मर्स को पैसे नहीं दे रहे हैं, पर सीड जहाँ से आ रहा है हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो हम सस्ते में उसको अवेलेबल करा रहे हैं. पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र सब्सिडी दे सकते हैं हम. ठीक है, हम इलेक्ट्रिसिटी बिल की सब्सिडी दे सकते हैं, ताकि सस्ते में उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो. जैसे अभी हम लोग कई सारे जो भी जो एग्रीकल्चरल एरिया है वहाँ पर हम लोग सोलार पंप लगवा रहे हैं. ठीक है, तो सोलर पंप क्या है, सोलर पंप कहीं ना कहीं क्या है, उनको सस्ते में प्रोवाइड करा रहे, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, सब्सिडी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वन इंपॉर्टेंट थिंग इज द लोन वेवर. ठीक, हम क्या कर रहे हैं, हम उनका लोन वेव कर दे रहे हैं, तो ये उनको डायरेक्ट सब्सिडी नहीं है, इट इज़ द इनडायरेक्ट सब्सिडी. ठीक है, या फिर इफ़ द गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चरल रिसर्च, ठीक है, और प्रोवाइडिंग सम सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंटल असिस्टेंट और फार्मर ट्रेनिंग. ठीक है, तो दीज एनी थिंग विच इज़ नॉट प्रोवाइडेड by the government directly to the farmers, ठीक है, it is just assisting the farmers or in one or the other way, it comes under the indirect subsidy and the rest one will be direct subsidy. ठीक है, so in this question the MSP जो थी वो क्या था, direct subsidy थी, question ने पूछा था indirect subsidy, so B 2 or 3 will be the correct option, subsidy on the fertilizer or seed or loan waivers. ओके, एज आई स्टेटेड हेयर कि जो लोन वेवर है वो किस में आएगा, इनडायरेक्ट सब्सिडी में, सो सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन. मूविंग फॉरवर्ड, ओके ओके, दिस क्वेश्चन केम अगेन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ये जो पोलराइज्ड वाला था, ठीक है, वो क्वेश्चन अगेन दोबारा आ गया. ये मैंने सोचा, इसमें मैंने फोटो दिखाई थी आपको, कहाँ गई फोटो. ठीक है, तो ये पोलराइज्ड लाइट का क्वेश्चन दोबारा आ गया, तो मैंने बताया था कि पोलराइज्ड लाइट सारी डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, और जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो सारी डायरेक्शन में जाएगी, जो पोलराइज्ड है इट विल मूव इन दी ओनली इन दी सेम डायरेक्शन. ठीक है, ओके, ये अगेन है. ठीक है, अब बात करते हैं सेडिशन लॉ के बारे में. ठीक है, सेडिशन लॉ क्या है, पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ. लिखा हुआ है द सेक्शन 124A ऑफ द IPC पिनलाइजेज द क्राइम अगेंस्ट द स्टेट. ओके, द सेकेंड स्टेटमेंट इज द केदारनाथ सिंह वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार 1962, द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द सेक्शन 124A. द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द सेडिशन इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर द आर्टिकल 19(2)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक, नाउ द क्वेश्चन इज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली 3, मीन्स जो सारे ऑप्शन हैं वो क्या हैं, करेक्ट हैं. ठीक, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. नाउ एक्सप्लेन करते हैं इनको. सेक्शन 124A क्या बात करता है, दिस टॉक्स अबाउट द सेडिशन
and sedition is mentioned in the IPC section 124A IPC of the 1861. ठीक. Now सेडिशन क्या होता है? इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड द देशद्रोह. ओके, जैसे आपको पता है कई सारे लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगा हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल द यासीन मलिक, ठीक, और उमर खालिद. ठीक है, तो यासीन मलिक हो गए, उमर खालिद, तो इन लोगों पर सेडिशन का चार्जेस लगे हुए हैं. नो, वन थिंग यू शुड पे अटेंशन हेयर कि देर इज़ अ वेरी वेरी माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द आर्टिकल 19(2) एंड सेडिशन. द थिंग इज़ क्या, अब 92 के अंदर यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. ओके, इफ यू हैव एनी डिसेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसी यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ. बट द थिंग इज कि हाउ, वट इज़ द लिमिट ऑफ दैट एक्सप्रेशन. ओके, और हाउ फार यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ और हाउ फार यू कैन स्पीक अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, सो देर इज नो प्रॉपर क्लियर कट डिस्टिंक्शन रिगार्डिंग दिस थिंग. तो इस वजह से क्या होता है कि जैसे सपोज इफ यू आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट एनीथिंग, सो समटाइम्स वुड हैपन लाइक इफ यू आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, सो समटाइम्स वुड हैपन दैट गवर्नमेंट कुड कंसिडर यू एज अ क्रिमिनल और एज ए टेररिस्ट, दे कैन इम्पोज द सेक्शन 124A ऑन यू. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन द टाइम ऑफ द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, what was happening there? That the peoples are protesting in the Shaheen Bagh. Now, many ministers have said like they are the terrorists. Okay, so the thing is they are voicing their concern. वो क्या कर रहे थे? They are voicing their concern, but people think that they are terrorists. And they have imposed the section 124A. Just like this incident had happened at the JNU in the case of the Umar Khalid. ठीक है, तो ये problem है main. ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए ऐसा है कि आप क्या करें, क्लियर कट डिस्टिंक्शन बनाएं कि आप प्रॉपर एक ग्राउंड को डिवाइस करें और ये बताएं कि व्हाट इज़ दी प्रॉपर ग्राउंड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेडिशन का प्रॉपर ग्राउंड क्या है. ठीक है, और तब तक जब तक आप ये ग्राउंड को प्रॉपरली क्लियरली डिफाइन नहीं करते, ठीक है, तो आपको मना किया गया है. ठीक है, डोंट इम्पोज द सेडिशन ऑन एनीवन. ठीक है, तो ये बात की गई है. उसके बाद केस हुआ था केदारनाथ सिंह का, केस हुआ था स्टेट ऑफ द बिहार 1962 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड की थी वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 124A कि ठीक है, द सेक्शन 124A दैट इज द सेडिशन, इट इज द वैलिड. बट द थिंग इज दैट वैलिडिटी कम्स विद सम सॉर्ट ऑफ पिंच ऑफ सॉल्ट. मीन्स आपको वैलिड है सेक्शन 124A, बट यू शुड क्लियरली स्टेट कि अब आप किसी से किसी के ऊपर लगा रहे हो तो क्यों लगा रहे हो. ठीक है, यू शुड हैव द प्रॉपर ग्राउंड एंड प्रॉपर क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्राउंड. ठीक है ना, द ग्राउंड शुड नॉट बी द रिपोर्ट यू हैव ऑर्गेनाइज्ड और द पॉइंट यू हैव नोटेड डाउन शुड बी इन अ क्रिस्टल क्लियर मैनर. ठीक है ना, वो हैफजर्ड वे पे नहीं होने चाहिए. ठीक है, तो ये बात की गई थी केदारनाथ सिंह के जजमेंट में. अभी करंट की सिचुएशन क्या है? करंट की सिचुएशन यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप क्या करो, प्रॉपर ग्राउंड डिवाइस करो और उसके बाद फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करना. दूसरी चीज़, आर्टिकल 19(2) में एक चीज़ आती है, यू नो अबाउट इट, दी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. ठीक, जहाँ लिखा हुआ सेडिशन इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो उसके अंदर ये कहा तो गया है कि जो सेडिशन जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर वो एक्चुअल में नहीं है. ठीक है, देखा जाए तो सेडिशन अलग चीज़ है. ठीक है, और बेसिकली रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होते हैं कि जैसे सपोज आप अपनी जो भी आपकी जो एक्सप्रेशन है उसको आप वॉइस कर रहे हो, बट यू दैट एक्सप्रेशन शुड नॉट बी अगेंस्ट द सॉवरेंटी ऑफ इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ नेशन. ठीक, तो नेशन की सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी के अगेंस्ट वो नहीं होने चाहिए. ठीक है ना, तो दिस इज़ द डिफरेंस. तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, वैसे तो बोला गया है कि जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत सेडिशन आएगा, बट दिस इज़ अ डिबेटेबल टॉपिक. पर यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सारे स्टेटमेंट सही हैं. और जैसे इसको बोला जाता है, दिस इज़ कॉल्ड अ ड्रैकोनियन लॉ इसको बोलते हैं. ठीक है, ब्लैक लॉ, बिकॉज जैसे गांधी जी हो गए हैं, ठीक है, तिलक हो गए, नेहरू हो गए, सभी को कभी ना कभी इसको फेस करना पड़ा था. जैसे गांधी जी, तिलक जी भी मांडे जेल पे गए थे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये बहुत पहले से जो लॉ है ये अभी तक है हमारे सिस्टम में. एंड द थिंग इज़ कि
this law was abused by the Britishers so that they could just स्टॉप द वॉइस ऑफ द इंडिपेंडेंस, जो भी इंडिपेंडेंस की वॉइस जो रेज हो रही थी, ठीक है ना, सो उसको दबा सके वो लोग, ठीक है, डिमिनिश कर सके. दिस इज़ इट अबाउट द सेडिशन. फिर बात किया गया है नेपाल के बारे में. यहाँ पर पूछा गया कि नेपाल से कौन कौन से जो रिवर हैं वो ऐसी रिवर्स हैं जो फ्लो करती हैं कहाँ पर, गंगा में. द फर्स्ट इज़ दी पंडाई रिवर, गंडक रिवर, नंबुल और भाउदा रिवर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज टू, यानी कि जो दो रिवर्स हैं ऐसी वो क्या हैं, वो बेसिकली नेपाल से आती हैं और इंडिया में गंगा में मिल जाती हैं. द फर्स्ट वन इज़ दी पंडई रिवर एंड द सेकेंड वन इज़ दी गंडक रिवर. नेपाल के साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं सूर्य किरण, ठीक है, सूर्य किरण हम लोग एक्सरसाइज करते हैं नेपाल के साथ. नेपाल हमारा ट्रेडिंग पार्टनर भी है, ठीक है. कई सारे जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, और अभी पुष्प कमल दहल प्रचंड जो हैं वो, जो कि प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, ठीक है, वो इंडिया में आए भी हुए थे, कई सारी डील्स भी फाइनल किए हैं. एंड यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट इंडिया और नेपाल का जो डिस्प्यूट है रिगार्डिंग दी काला पानी का मैंने जो डिस्प्यूट है वो बताया था, ठीक है, जिसको रिजॉल्व करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. इतना बड़ा डिस्प्यूट नहीं, पर फिर भी जैसे मैं दिखाऊँ आपको, ये हमारा प्यारा भारत, और इसमें, इस प्यारे भारत में, यहाँ पर आप जब जाएंगे थोड़ा सा पास जाएंगे तो ये मैंने बताया था, दिस इज़ द डिस्प्यूटेड एरिया, ठीक है. लाइक ये नेपाल की बाउंड्री है, ये उत्तराखंड है, ठीक है, ये उत्तराखंड है, ओके. अब पहले क्या हुआ था कि एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे. उसमें ये बोला गया था कि ये जो रिवर है, ये रिवर की जो लाइन है वो क्या है, ये वाली जो है, ठीक है, ये इंडिया की साइड, ये बेसिकली इसको बाउंड्री लाइन माना गया था. बट बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स इस बाउंड्री लाइन को कंसिडर करने लगे. तो अब क्या हुआ, अगर ब्रिटिशर्स इस बाउंड्री लाइन को कंसिडर कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा, ये जो एरिया है, ठीक है ना, ये डिस्प्यूट में आ जाएगा, क्योंकि अगर इस बाउंड्री लाइन को कंसिडर किया गया तो इंडिया का क्लेम हो जाएगा कि ये पूरा एरिया उसका है, ठीक. अगर नीचे वाली बाउंड्री लाइन को कंसिडर किया गया तो ये एरिया जो होगा ऊपर वाला वो किसके पास चला जाएगा, नेपाल के पास चला जाएगा. तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है. इसी को बोलते हैं काला पानी का डिस्प्यूटेड एरिया होता है. लिम्पिया दूरा यहाँ पे है, ये इस जगह पे क्या है, लिम्पिया दूरा, ठीक. तो ये जो है, दिस इज़ द डिस्प्यूटेड एरिया. एंड यहाँ पर क्या है, काली रिवर भी निकलती है यहाँ से, ठीक है. तो ये पता होना चाहिए आपको. नेक्स्ट बात करूँ तो शिकागो कन्वेंशन के बारे में थोड़ी सी बात करूँगा मैं यहाँ पर, ठीक है. अभी क्या है, इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उसने कुछ रूल्स निकाले थे, तो उसके बारे में ये क्वेश्चन है. नाउ इसको थोड़ा सा देखते हैं. पहला लिखा हुआ है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ऑर ट्रू अबाउट द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल सिविल एविएशन. ओके, सो इंटरनेशनल सिविल एविएशन का एक कन्वेंशन है एंड दैट कन्वेंशन इज नोन एज द शिकागो कन्वेंशन. नाउ विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट. The first is the Chicago Convention was established in the year of 1944 and serves as the foundational document for the international civil aviation. Okay. Next is, second statement is the Chicago Convention established the International Civil Aviation Organization as the governing body for the international aviation. The third statement is the Chicago Convention outlines the rights and the principles of the sovereignty for each country over the airspace. The fourth statement is the Chicago Convention regulates the air traffic, controls the procedures and the safety standards worldwide. Okay. देखा जाए तो जो सारे statements हैं वो सुनने में कैसे लग रहे हैं, काफ़ी positive लग रहे हैं. And if we talk about the answer, so D is the करेक्ट आंसर. जो डी जो आंसर है वो क्या है, करेक्ट है, सही भी है. देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, जो शिकागो कन्वेंशन है उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1944 में, ये करेक्ट है. और ये जो फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है इंटरनेशनल सिविल एविएशन के लिए, यानी कि पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जितने भी जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसको सबको कौन ऑपरेट करता है, यही सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक. फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जो एस्टेब्लिश किया गया था एज ए, इट वाज द गवर्निंग बॉडी, ये गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल सिविल एविएशन की, दिस इज आल्सो करेक्ट. द थर्ड स्टेटमेंट इज ये करती है, इट आउटलाइंस द राइट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ द सॉवरेंटी फॉर ईच कंट्री, हर एक कंट्री की सॉवरेंटी के बारे में बताती है
कि आपका एयर स्पेस पे क्या सॉवरेंटी है आपकी, यानी कि आपकी जो कंट्री का ऊपर का जो एयर स्पेस है उस पर क्या सॉवरेंटी है। द फोर्थ स्टेटमेंट इज द शिकागो कन्वेंशन रेगुलेट करती है द एयर ट्रैफिक एंड कंट्रोल्स द प्रोसीजर्स एंड द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, जो प्रोसीजर्स और सेफ्टी स्टैंडर्ड है उसका भी ध्यान रखा जाता है। तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कल मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट द स्पेस, स्पेस स्पेस क्या होता है, मैंने बताया था कि इफ अगर आप ये है आपका सी लेवल है, ठीक है, इस सी लेवल से आप अगर 100 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो आ जाता है स्पेस, यानी कि ये इस 100 किलोमीटर लाइन के नीचे क्या है आपका एनवायरनमेंट है, और इससे ऊपर क्या आता है, इसके ऊपर आपसे ओपन स्पेस आ जाता है, एंड दिस लाइन इज नोन एज दी कर्मन लाइन। ठीक, कर्मन लाइन। एक और चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि जब ये प्लेन, जो प्लेन फ्लाई करते हैं वो कहाँ फ्लाई करते हैं, प्लेन फ्लाई कैसे करते हैं, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो प्लेन्स होते हैं, ठीक है, जैसे एक ये है टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, टोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। नाउ इफ़ यू पे अटेंशन है, सबसे नीचे की लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर, और यहाँ पे है हमारा लैंड। आपको पता है कि लैंड की जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट जो होती है लैंड की, वो क्या होती है, बहुत कम होती है। नाउ इसका मतलब क्या होता है, देखिए स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट लैंड की कम है, इसका मतलब क्या है, लैंड जल्दी ठंडा होगा और जल्दी गर्म हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ पानी, वाटर, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसका मतलब पानी देर में गर्म होगा और पानी देर में ठंडा होगा। सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पेसिफिक हीट। नाउ अब क्या है, लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से लैंड से क्या होती है, बहुत सारी हीट निकलती है, हीट निकलती है तो वो क्या है, हीट इज़ अ टाइप ऑफ एयर, अब एयर के फॉर्म में निकलेगी, तो उस वजह से ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो जो भी, इसी वजह से जो प्लेन है जो फ्लाई करते हैं वो ट्रोपोस्फेयर में ना फ्लाई करके वो स्ट्रेटोस्फेयर की लोअर लेयर में फ्लाई करते हैं। ठीक, तो ये पता होना चाहिए आपको, स्ट्रेटोस्फेयर की लोअर लेयर में प्लेन फ्लाई करते हैं। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता होना चाहिए, अगर मैं ओजोन के बारे में बात करूँ तो ओजोन भी दो तरह की होती है, ठीक है, एक ओजोन होता है स्ट्रेटोस्फेयर के लिए और एक ओजोन होता है ट्रोपोस्फेयर के लिए। ठीक, तो स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो ओजोन होती है उसको हम लोग बोलते हैं गुड ओजोन, गुड O3, और ये वाली जो होती है उसको बोलते हैं बैड O3। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो बैड O3 है ये क्या करती है, ट्रोपोस्फेयर वाली ओजोन, ये जो हीट निकल रही है इस हीट को ट्रैप कर लेती है और फिर वापस रिफ्लेक्ट कर देती है अर्थ में, जिसकी वजह से जो अर्थ का जो टेम्परेचर है ओवरऑल वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और उसके बाद क्या होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, यानी कि बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। ठीक, अर्थ का जो ओवरऑल जो टेम्परेचर है वो क्या है, बढ़ जाता है। बट ये जो O3 है जो स्ट्रेटोस्फेयर में है, ये बाहर से आने वाली जो सन की जो बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनको रिफ्लेक्ट बैक करती है या उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक, तो दिस इज, दैट्स वाई दी O3 प्रेजेंट एट दी स्ट्रेटोस्फेयर इज दी गुड O3, बट O3 प्रेजेंट एट द ट्रोपोस्फेयर इज दी बैड O3। ठीक, सो दिस वॉज दी होल कॉन्सेप्ट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कुछ बचा है क्या, अच्छा एडवांटेज ऑफ द लिथियम आयन बैटरी। ठीक है, लिथियम आयन बैटरी के एडवांटेज क्या है, भाई बहुत सारे एडवांटेज है लिथियम आयन बैटरी के, आपको तो पता ही है, ठीक है, आपको सब पता है। पहले लिखा हुआ है दे हैव दी हाई एनर्जी डेंसिटी विच मीन्स दे कैन स्टोर मोर एनर्जी देन अदर टाइप ऑफ द बैटरीज। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट इज दे आर द लाइट वेट एंड पोर्टेबल, ओके, मेकिंग देम आइडियल यूज इन द डिवाइसेज, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दे आर रिलेटिवली भी इन एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर, मेकिंग देम कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर मैनी एप्लीकेशंस। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। सो फ्रॉम हेयर इफ यू सी द ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो लिथियम इज द फ्यूचर एज आई टोल्ड यू, सो लिथियम इज द फ्यूचर। ठीक, तो लिथियम क्या है, फ्यूचर है, ये क्या है, इट इज मोर एनर्जी, ये क्या है, लिथियम आयन बैटरी, दे कैन स्टोर मोर एनर्जी, ठीक, देन अदर टाइप ऑफ दी बैटरी, वी हैव मैनी बैटरीज बट द लिथियम आयन बैटरी कैन स्टोर मोर एनर्जी एंड दे आर लाइट वेट, हैंस दे कुड बी यूज इन द लैपटॉप, स्मार्टफोन एंड मैनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज। द थर्ड स्टेटमेंट इज रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव है, मतलब ऐसे तो एक्सपेंसिव है बट रिलेटिवली इन एक्सपेंसिव है इफ वी आर इफ वी आर मेकिंग एन कंपेरिजन। ठीक है, इन एक्सपेंसिव टू मैन्युफैक्चर and cost-effective options for many applications. So from here, all these statements are correct. And as I told you yesterday about the lithium triangle, remember, मैंने बताया था कि lithium triangle क्या होता है, ठीक है, I told you about the lithium
ट्राइंगल, ठीक है, और वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया था किसका, बोल गया, ये है बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, दिस इज़ द लिथियम ट्राइंगल। याद कैसे करेंगे, ए बी सी, तो ए बी सी इज़ दी लिथियम ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ पर लिथियम बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अच्छा, एक और ट्राइंगल से एक और चीज़ आपको बतानी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल बनता है, बता सकते हैं कौन सा ट्राइंगल बनता है यहाँ पे, यहाँ पर ये दिस, और एक यहाँ पर एक बनता है गोल्डन क्रिसेट, चलिए मैं ये बता देता हूँ आपको, देखिए एक ये ट्राइंगल, वहाँ मैंने लिथियम ट्राइंगल बता दिया बिटवीन दी अर्जेंटीना बोलीविया एंड चिली, उसके बाद ये ट्राइंगल बनता है इज नोन एज द गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है, एंड दिस ट्राइंगल इज बिटवीन दी थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, बर्मा भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड द सेकेंड थिंग यू शुड नो इज अबाउट दी गोल्डन क्रिसेंट, ये क्या है, ये चांद जैसी चीज़ बनती है इसलिए इसको क्रिसेंट बोलते हैं, इट इज़ बिटवीन दी पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान, ये है क्या गोल्डन क्रिसेंट एंड द गोल्डन ट्राइंगल, द बोथ आर फेमस फॉर दी ड्रग ट्रैफिकिंग, यहाँ पर जो ड्रग का प्रोडक्शन होता है, ओ सॉरी आई डोंट नो कहीं वीडियो स्टॉप हो गया था, ठीक है, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ तक अभी कंप्लीट हुआ है, तो मैं यहाँ बता रहा था कि अभी मैंने बताया कि जैसे ए बी सी के बारे में, दैट इज़ दी अर्जेंटीना बोलीविया और ये मैंने यहाँ पर बताया था, दैट इज़ दी अर्जेंटीना बोलीविया और चिली, ये क्या है, दिस इज़ द लिथियम ट्राइंगल, इन द सेम वे वी हैव सम अदर ट्राइंगल, ठीक, इट्स लाइक दिस इज़ दी गोल्डन ट्राइंगल, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ड्रग पेडलिंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, मतलब ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर ड्रग का प्रोडक्शन होता है, जैसे लाइक यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, दी थाईलैंड, लाओस और वियतनाम आती हैं, बर्मा को भी कभी कभी इंक्लूड कर देते हैं, द नेक्स्ट इज़ दी गोल्डन क्रिसेंट, इसमें आता है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सो दिस यू शुड नो अबाउट इट। द मूविंग फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट दी आइनस विक्रांत, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ आइनस विक्रांत इज़ दी फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द इंडियन नेवी, ओके, द सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट MH-60R Seahawk is it is a multi-mission helicopter manufactured by the Scorbe Aircraft for the United States Navy. So from here, C is the correct option because both the statements are correct. So the INS Vikrant, as you know that it is an indigenous aircraft. India ने बनाया indigenous aircraft carrier है. यानी कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, जहाँ पर जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो आके लैंड करते हैं, सो इट इज़ द एयरक्राफ्ट कैरियर। एंड MH-60 ये क्या है, इट इज़ अ मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, मीन्स इट वी कैन यूज़ इट इन द एज अ फ्रीट कैरियर, एज ए ऑल एज ए रेस्क्यू ऑपरेटर, ठीक है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज़ कर सकते हैं, मीन्स इट इज़ एन ऑल वेदर हेलीकॉप्टर, सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अबाउट दी शेशल्स, शेशल्स में क्या हुआ था, द यू एस हैज़ ओपन इट्स एम्बेसी इन द शेशल्स आफ्टर 27 years, सो दैट्स वाई हियर इज द क्वेश्चन। नाउ शेशल्स, शेशल्स इज लोकेटेड इन द सोमाली सी सेगमेंट ऑफ द इंडियन ओशियन, दिस ओके सोमाली सी सेगमेंट ऑफ द इंडियन ओशियन। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द शेशल्स हैज़ अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ईयर अराउंड, ओके। द थर्ड स्टेटमेंट इज द शेशल इज a democratic republic with a multi-party system. So from here, C is the correct option, means all the statements are correct. The first statement is that Seychelles, it is located in the Somali Sea segment of the Indian Ocean. As I have shown you yesterday also, if you talk about the Seychelles. So Seychelles kahan pe hai? Ye East Africa mein padta hai, Indian Ocean mein. Theek hai? Here is the Seychelles. This is the Seychelles. Theek hai? This is the Seychelles. Theek hai? तो ये पता होना चाहिए, यहाँ पे मेडागास्कर के आसपास ये अरेबियन सी पे है, इंडियन ओशन पे, ठीक। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट है विद हाई टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ईयर राउंड, क्योंकि देखो पानी के बीच में है, आइलैंड कंट्री है, सो जो टेम्परेचर होगा विल बी हाई ईयर राउंड। थर्ड स्टेटमेंट इज द शेशल्स इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विद अ मल्टी पार्टी सिस्टम, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। सो फ्रॉम हेयर दिस वॉज आर लास्ट क्वेश्चन, सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप इसको लाइक कर सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, दोस्तों के साथ ही इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू वॉन्ट टू गिव एनी सॉर्ट ऑफ फीडबैक, यू कैन जस्ट गिव इन द कमेंट सेक्शन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें
मैं डेली द हिंदू की पीडीएफ और इंडियन एक्सप्रेस की पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ईजिली ज्वाइन फ्रॉम देयर, इट इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरी इनिशिएटिव इज फ्री ऑफ कॉस्ट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।